दोस्त, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी लाइफ को पूरे तरीके से बदल देंगी, जो तुम्हारा माइंड है उसे पूरे तरीके से चेंज कर देगी, तुम्हारे दिमाग से सारे निगेटिव थॉट्स निकाल देगी। दोस्त, आज जो भी हम हैं अपनी आदतों की वजह से ही हैं। हमारी आदतें ही हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं और हमारी आदतें ही हमें एक बुरा इंसान भी बनाती हैं। दोस्त, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। एक एक दिन मिलकर आपकी जिंदगी बनती है और जब आपका हर दिन अच्छा बीतने लगेगा तो आपकी जिंदगी भी अच्छी होती चली जाएगी। दिन की शुरुआत हमेशा सुबह उठने से होती है। ऐसे में आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा वो आपकी सुबह की आदतों पर निर्भर करता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। बहुत सारे लोग सही मौके का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, कुछ कामों के लिए आपको सही समय का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन दोस्त, अपनी आदतों को बदलने के लिए नहीं। नंबर 1, जब आप सुबह उठते हैं तब मुस्कुराएं, ऊपर वाले को धन्यवाद दें। सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले आईने में देखकर मुस्कुराना चाहिए। दोस्त, जिंदगी का असली मतलब खुशी है। आप बहुत सारा पैसा पाकर भी खुश नहीं रह सकते अगर आपकी सोच में प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए हर दिन की शुरुआत मुस्कुराकर करें। अगर आपके दिन की शुरुआत मुस्कुराने से होती है तो इससे आपके पूरे दिन अच्छा बीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2, सुबह उठते ही पानी पीना। रोज सुबह पानी पीने की आदत बहुत कम लोगों के अंदर होती है, इसीलिए दुनिया के बहुत सारे लोगों को गैस, एसिडिटी की समस्या और भी तरह तरह के पेट की बीमारी होती है। अगर आप हर सुबह व्रत करने के बाद 2 ग्लास पानी पीने की आदत डाल लेते हो तो आपके अंदर से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपका दिमाग भी तेज हो जाएगा, क्योंकि इंसान के दिमाग में 70% पानी पाया जाता है। और अगर आप उसकी पूर्ति करते हैं तो आपका माइंड एक्टिव रहता है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 3, सुबह उठकर ब्रश करने के बाद फल खाना। रात भर सोने के बाद सुबह हमारा मेटाबॉलिज्म काफी नीचे होता है, इसलिए सुबह पानी पीने के बाद अगर आप किसी भी एक फल का सेवन करते हो तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपको एनर्जी की कमी महसूस नहीं होने देता। नंबर 4, एक्सरसाइज करना। पूरे दिन में कामों को बेहतर तरीके से करने के लिए आपको अपनी बॉडी का साथ जरूर चाहिए। आपकी बॉडी आपका साथ तभी देगी जब ये फिट रहेगी। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आपको जिम में हार्ड वर्क करना है या फिर आपको अपने सिक्स पैक बनाने हैं। आप अगर सही से चल पाओ, भाग पाओ, चीजों को उठा पाओ, आपको जल्दी से थकान महसूस ना हो तो आपकी यही फिटनेस है। सुबह एक्सरसाइज करने की आदत सिर्फ 10% लोगों में ही होती है। एक्सरसाइज करने के लिए आपको जिम ही जाना है या फिर 2 या 3 किलोमीटर दूर भागना है, ये जरूरी नहीं है। नॉर्मल सी कुछ एक्सरसाइज ही आपकी बॉडी के लिए काफी होती है। नंबर 5, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन का नाम सुनकर आपको घबराना नहीं है। आपको घंटे बैठ करके ध्यान नहीं करना है। रोज आपको 2 मिनट के लिए किसी एक शांत जगह में बैठ कर अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ अपने सांसों पर फोकस करना है। केवल आपको अपनी नाक से अंदर जा रही और बाहर आ रही सांस पर फोकस करना है। अगर इसे आप रोज करते हो तो आपका किसी भी चीज में फोकस बढ़ जाएगा और आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा और धीरे धीरे आपके माइंड से सारे निगेटिव थॉट्स निकलने लगेंगे। नंबर 6, खुद से पॉजिटिव बातें करें। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। दोस्त क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी की लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसी बातों पर ध्यान देकर अपना बहुमूल्य टाइम वेस्ट मत करो। दोस्त, अगर आपको खुद की जिंदगी बदलनी है तो खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा, खुद को वैल्यू देनी सीखनी पड़ेगी। हर सुबह जब आप उठते हैं आपको खुद से कुछ लाइनें कहनी है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। मेरे पास जो भी है वो मेरे लिए काफी है, वो मेरे लिए खास है। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ जिसने आज का मुझे दिन देखने दिया। नंबर 7, मुश्किल काम को पहले करना। जब भी आप किसी काम को खत्म करते हो तो आपको काफी अच्छा महसूस होता है। सुबह के समय आप एनर्जी से भरे हुए रहते हैं, इसीलिए सुबह सबसे पहले मुश्किल काम को करना शुरू करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि एक दिन आपके पास बहुत सारा पैसा होगा जिससे आप काफी सारी चीजें खरीदेंगे और आपको काफी खुशी महसूस होगी, तो ये आपकी सोच बहुत गलत है। दोस्त, अगर आप आज खुश रहना नहीं सीखते हो तो आपके पास चाहे फ्यूचर में कितना ही पैसा हो जाए तब भी आप खुश नहीं रह पाओगे। खुशी आपकी सोच के ऊपर निर्भर करती है।